जी आराधना प्रभु जी आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से आराधना प्रभु जी आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए आराधना प्रभु जी आराधना यीशु जी तेरी आराधना तेरी आराधना करूं मन से तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए आराधना प्रभु जी आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से तेरी आराधना करूं दिल से तेरी आराधना करूं मन से आराधना प्रभु जी आराधना
यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अलग जगहों से इस लाइव आराधना में जुड़ रहे हैं, अपने कामों को छोड़कर और बाकी लोगों को भी छोड़कर इस लाइव आराधना में जुड़ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास में जितनी भी चिंताएं हैं, थकान है, बोझ है, एक एक को अर्पित करेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें आज़ाद करना चाहते हैं, बोझों से हल्का करना चाहते हैं और स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसी के साथ हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू प्रेमी है, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू दयालु है, तू करुणामय है, तू करुणामय है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू चट्टान है, तू चट्टान है, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे हिरनी, जैसे हिरनी जलधारा के लिए, जलधारा के लिए तरसती है, तरसती है, वैसे मेरी आत्मा, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा ईश्वर की, ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, प्यासी है। मैं कब जाकर, मैं कब जाकर, मैं कब जाकर, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा, ईश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, वे सभी, वे सभी उल्लास के साथ, उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उसे, प्रभु उसे रोग शैया पर, रोग शैया पर सांत्वना देता, सांत्वना देता और उसका बिस्तर, और उसका बिस्तर बदल देता है, बदल देता है, बदल देता है, बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु धर्मियों का, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता, उद्धार करता और
संकट के समय और संकट के समय उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, प्रभु उनकी सहायता करता है, प्रभु उनकी सहायता करता है और उन्हें मुक्त करता है, और उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मेरा शांति दाता है, यीशु मेरा शांति दाता है, यीशु मेरा शक्ति दाता है, यीशु मेरा शक्ति दाता है, यीशु मेरा चंगाई दाता है, यीशु मेरा चंगाई दाता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 मंगल कर नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। पाप हरे ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे। भक्ति वधेगा मुक्ति वधेगा, भक्ति वधेगा मुक्ति वधेगा, भक्ति वधेगा मुक्ति वधेगा, भक्ति वधेगा मुक्ति वधेगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, 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 नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल कर नाम लियो रे। शक्ति वधेगा, 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 शक्ति वधेगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे,
यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे प्रेम वधेगा खुशियाँ वधेगा प्रेम वधेगा खुशियाँ वधेगा प्रेम वधेगा खुशियाँ वधेगा प्रेम वधेगा खुशियाँ वधेगा भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम 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 नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे गाइए नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे रक्षा करेगा दया करेगा रक्षा करेगा दया करेगा रक्षा करेगा दया करेगा रक्षा करेगा दया करेगा भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम तो बोलो नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे बोलिए नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे गाइए नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगल कर 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 नाम लियो रे गाइए यीशु का मंगल कर नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे यीशु का मंगल कर नाम लियो रे Hallelujah. बोलिए हालेलुया मौन हो जाइए आंखें बंद कीजिए हाथों को खुला रखिए परम प्रसाद में विराजमान जीवित यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए जो हमारे साथ रहते हैं हमारे संग चलते हैं हमारे बीच उपस्थित रहते हैं उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना और महिमा करते जाना हमारी रक्षा करने वाले यीशु हमारा उद्धार करने वाले यीशु हमारे पापों की क्षमा देने वाले यीशु
और हमें दुष्ट और बैरियों से बचाने वाले यीशु परम प्रसाद में विराजमान है। दिल की गहराई से यीशु की स्तुति आराधना और महिमा करते जाइए। हमारी पीड़ा को जानने वाले, हमारे हृदय के भावों को समझने वाले, मन में उठने वाले एक एक विचार को समझने वाले यीशु परम प्रसाद में विराजमान है। स्तुति आराधना और महिमा करते जाना। याद रखना, जब महिमा करते हैं, खुले दिल खुले हृदय से स्तुति करते हैं, हमारे बंधन खुलते हैं, बदले में प्रभु की आशीष और कृपा को अनुभव करते हैं। आराधना का समय यही समय होता है, क्योंकि साक्षात परम प्रसाद में प्रभु विराजमान रहते हैं। जहाँ पे यीशु विराजमान रहते हैं, वहाँ पे प्रकाश है, वहाँ पे ज्योति है, वहाँ पे मुक्ति है, वहाँ पे मुक्ति का आगमन है। बाइबल में ऐसे कई घटना देखते हैं, जहाँ पे यीशु उपस्थिति रहती है वहाँ पे प्रकाश है। मर्था और मरियम के घर में देखते हैं, जहाँ पे मृत्यु छाई हुई थी, उनका भाई मरा हुआ था, चौथा दिन उनके शरीर से बदबू, मृत्यु का अंधेरा, लेकिन यीशु जब प्रवेश करते हैं, यीशु के कहने और यीशु के प्रार्थना करने और यीशु की आवाज़ देने से प्रकाश प्रवेश करता है, रोशनी प्रवेश करती है और लाजरस की काया में जीवन प्रवेश करता है। इसी तरह समारी स्त्री के बारे में देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके अंदर में भी वो अंधकार, पाप का काफी बोलबाला, नकारात्मक कार्य और कुकर्म वाले कार्य का अंधकार उनके मन में, उनके हृदय में, प्रभु यीशु के साथ में मिलती है, प्रभु यीशु की रोशनी, प्रभु यीशु का प्रकाश उनके अंदर में प्रवेश करता है। वो अंधकार में रहते हुए प्रकाश की संतान बन जाती है और गांव के सभी लोगों को बुलाती हैं, आओ देखो। वे भी आते हैं, देखते हैं यीशु जो ज्योति है, प्रकाश है, अनुभव करते हैं। इसी तरह हमारे साथ होता है, जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वही अग्नि वही प्रकाश को अनुभव करते हैं। इस वक्त आपके साथ में भी वो हो रहा है, विश्वास करते जाना। और साथ ही साथ आपके मन में प्रश्न होंगे, प्रार्थनाएं होंगी, निवेदन होंगे, एक एक करके अर्पित करते जाना। आपके मन में चिंताएं होंगी, आपके मन में काफ़ी प्रश्न, विशेष करके स्थिति और परिस्थिति के द्वारा, एक एक अर्पित करते जाइए, प्रभु को देते जाना। क्योंकि प्रभु मांगते हैं, इसलिए क्योंकि हमें आज़ाद और सुरक्षित रखना चाहते हैं। वचन में पढ़ते हैं, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनी। प्रभु भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं, विश्वासियों की प्रार्थना को सुनते हैं, उनके शिष्यों की प्रार्थना को सुनते हैं और संकट के समय उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाले यीशु हमारे साथ हैं, प्रकाश का अनुभव करते जाना। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वचन के माध्यम से। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 18 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। वचन के द्वारा हमें प्रभु बताना चाहते हैं, जो सन्मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित रहेगा, जो कुमार्ग पर चलता है वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। बाइबल में देखते हैं इसका परिणाम के विषय में। जो धर्मी जीवन जीते हैं, निष्कलंक जीवन जीते हैं, सदा सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, माता मरियम है, जोसेफ है। शुरुआत से वे प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, संहिता के अधीन जीवन जीते हैं और उसके द्वारा उनके अंदर में वो पवित्रता, शुद्धता, निष्कलंक
दयालुता प्रेम करुणा भर भर के उनके जीवन में देखा जाता है और इसलिए उनका परिवार जब आपस में जुड़ते हैं एक आदर्श परिवार बन जाता है। परिवार में बहुत कम संख्या, जोसेफ मरियम और यीशु, यही एक परिवार जो आदर्श परिवार बनता है क्योंकि वो सन्मार्ग पे चलते हैं। इसी तरह बाइबल में देखेंगे, विशेष करके पुराने व्यवस्थान में इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, आयूब के बारे में पढ़ते हैं, दयनीय परिस्थिति होने के बावजूद भी वो पाप में गिरते नहीं बल्कि प्रभु के करीब रहते हैं और इसलिए बराबर प्रभु से बातें करते हैं, बराबर प्रभु की सानिध्य में रहते हैं। इसी तरह हमारे साथ होता है जब हम सन्मार्ग को चुनते हैं। सन्मार्ग का परिणाम जीवन है, अनंत जीवन है, अच्छाई है, सुरक्षा है, पवित्रता है, शुद्धता है, न्याय है, सुरक्षा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, सम्मान है, उद्धार है। ये हम पाते हैं जब सन्मार्ग पे चलते हैं। इसी तरह वचन के द्वारा जो दूसरा मार्ग जो कुमार्ग का मार्ग है वो हमारे लिए हानि और हानि का कारण ही बन ही जाता है। इसका परिणाम बाइबल में देखते हैं, अच्छे से अच्छे और अभिषिक्त किए गए लोग भी गिर जाते हैं। दाऊद के बारे में देखते हैं, परमेश्वर अभिषेक देते हैं। इसी तरह सामुएल के बारे में देखते हैं, उनके बारे में, राजा सुलेमान के बारे में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के मार्ग पे मार्ग से भटक जाते हैं, हालांकि सामुएल पक्का रहता है। इसी तरह हमारे साथ होता है। पुराने व्यवस्थान से ही हम देखते हैं नूह और उनके समय के लोगों के विषय में, परमेश्वर नूह के माध्यम से पश्चाताप करने के लिए, कुमार से सुमार्ग पर आने के लिए वचन देता रहा, संदेश और सूचना देता रहा, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी और अंत में परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा विनाश करते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु छा जाती है, कठिनाई प्रवेश करती हैं। कुमार्ग का नतीजा यही है, हानि है, क्षति है, मृत्यु है, बंधन है, टूटेपन है, व्यर्थ है, निराशा है, खामोशी है, डिप्रेशन है। प्रभु हमें आज बताना चाहते हैं इस वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु हमारे लिए मार्ग है, प्रभु हमारे लिए जीवन है और वही सत्य है। जब हम प्रभु के मार्ग को चुनते हैं निश्चय ही अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, सुरक्षा को अनुभव करते हैं, आशीष को अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु से दूरी बनाते हैं वही डर वही भय को अनुभव करते हैं। इसी के साथ आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को अर्पित करेंगे। आप अपने आप को अर्पित करते जाना, प्रभु के चरणों पे समर्पित करते जाना। आपके शब्द प्रभु के कान में होना चाहिए, आपके विचार, आपकी इच्छाएं प्रभु के चरणों में होना चाहिए। परिवार के सदस्य को याद करना, एक एक मेंबर को अर्पित करते जाइए, प्रार्थना करते जाना। इसी तरह हो सके आपसे किसी ने कहा प्रार्थना करने के लिए, याद करना, प्रार्थना करना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है जो आलस्यपन, दूरी बनाना, प्रभु के करीब नहीं होना। अर्पित करते जाइए, प्रभु से कहना, मैं इस तरह के जीवन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, इसमें
आपकी मदद की आवश्यकता है, प्रभु मेरी मदद करना। तू मदद करने वाला परमेश्वर है, तू सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप भी विश्वास करना और हमें भी विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे साथ वही करते हैं जो उनकी मर्जी है, इच्छा है। आइए इसी के साथ हम गीत में भाग लेंगे। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु अखिलेश्वर प्रभु तेरी। वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना, वेदी के सामने आए हम सब करने प्रभु तेरी आराधना, वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना, वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 तेरा ही नाम जप कर, दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर, दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर, दिल में जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, 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 करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, आराधना 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 आराधना।
इस रोट रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। रोट रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। इस रोट रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग। करते रहे तेरी जय जय का, करते रहे तेरी जय जय का। आराधना 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 छोटी छोटी प्रार्थना को अर्पित करेंगे। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष और कृपा के लिए। इसी के साथ प्रभु इस लाइव आराधना में और इस दर्शन कक्ष में काफी रोगी हैं आपके चरणों पर अर्पित करते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं, तेरा स्पर्श मांगते हैं। प्रभु अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार आशीष देकर संगा करना, नया जीवन देना, स्वस्थ बनाना, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आशीष मांगते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। जीवन के स्रोत प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। इस संध्या समय, कृपा के समय, ये अब्बा पिता, हम सभी टूटे परिवारों को तुझे समर्पित करते हैं, टूटे रिश्तों को तेरे चरणों में लाते हैं। ये प्रभु, परिवार का मूल आधार तू स्वयं है। तेरी इच्छा है कि हम परिवार में जन्म लें, परिवार में काम करें, परिवार में जीवन बिताएं। ये प्रभु, हम अपने अपने परिवार को तुझे समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, परिवार के अच्छाइयों को बुराइयों को समर्पित करते हैं। ये प्रभु, विशेष करके उन टूटे परिवारों को इस समय हम याद करते हैं। परिवार में प्रेम की कमी है, परिवार में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, अंधकार की शक्ति कार्य कर रहा है, जादू टोना तंत्र मंत्र में फंसे हैं, परिवार में शराबी है, नशापान करने वाले हैं, परिवार में आर्थिक तंगी है। इन सारी समस्याओं को ये प्रभु तुझे समर्पित करते हैं। ये प्रभु, उसी के साथ साथ हम टूटे रिश्तों को समर्पित करते हैं। तू हृदय को जोड़ने वाला ईश्वर है, तू हमें प्रेम प्रदान करता है ताकि हम एक दूसरे को प्रेम करें, समझें। ये प्रभु, तू सके उसके परिवार में प्रवेश करते हुए, सके उसके परिवार को मुक्ति प्रदान किया, तू हमारे परिवार में आ जाइए प्रभु, हमारे जीवन में आ जाइए, हमें मुक्ति का संदेश सुनाइए, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए।
ये प्रभु हम इस कृपा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संध्या वेला के लिए। प्रभु आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सकें और प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आज मैं विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी कारणवश प्रभु अपने जीवन से निराश हैं, अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण निराश हैं, प्रभु अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी प्रभु बेरोजगार हैं, इस वजह से निराश हैं। प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपनी जीने की आस को छोड़ बैठे हैं, प्रभु जीना नहीं चाहते। प्रभु उन तमाम लोगों को प्रभु आपके पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्रभु आपका ही वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हो, प्रभु उनके जीवन में आइए, उन्हें सत्य के से अवगत कराइए ताकि प्रभु वह भी अपने जीवन का मूल मतलब को समझ सकें, अपने जिम्मेदारियों को समझ सकें। आइए इस समय हम दुनिया भर के तमाम उन लोगों को प्रभु की ओर चढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। इस कृपा द्वारा प्रार्थना सभा में भाग लेने एक एक व्यक्ति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, उनकी सभी प्रार्थना सुनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उनकी सभी स्तुति आराधना स्वीकार करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सबका प्रार्थना सुनने वाला है, तरस खाने वाला है। हे प्रभु यीशु, उनकी प्रार्थना सुनकर तरस खाना, उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा गाने के लिए, आपके पिता की महिमा गाने के लिए उन्हें योग्य बना दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। उनके सभी उद्देश्यों को आप देखिए, उनके सभी आंसुओं को आप पहुँचिए प्रभु यीशु, दुख दर्द को देखिए। हे प्रभु यीशु, परिवारों में जो समस्या है, हे प्रभु यीशु सब कुछ आप जानते हैं, जो रोगी है सब कुछ आप जानते हैं प्रभु यीशु, सभी प्रार्थना सुनकर उनके सभी निवेदनों को पूरी कर देना। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपको समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हे पिता, तेरे अमर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज विशेषकर के प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कोर्ट कचहरी के मामले में प्रार्थना मांगे हैं। कई लोग जमीन के बारे में कोर्ट कचहरी जाते जाते तक गए, 10 साल 15 साल को रेपा मामले पड़े हुए हैं और सुनवाई थी ख़त्म नहीं होता है। प्रभु ऐसे सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं जो कोर्ट कचहरी से न्याय चाहते हैं और उसके मामले में वो थक गए हैं। हे प्रभु, तो उनके लिए न्याय जल्द सी जल्दी दिलवा दीजिए। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो पैतृक संपत्ति के बारे में विवाद है, परिवार में टेंशन में है, तनाव है। हे प्रभु, ऐसे लोगों के दोस्त ईमानदारी से पैतृक संपत्ति के बंटवारे में निर्णय लेने की शक्ति दे, परिवार में शांति मिले। और बहुत कुल ऐसे भी है प्रभु, जमीन के मामले में पैसा दे चुके परंतु काम नहीं होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और अपनी पूरी संपत्ति उसमें लगे हैं। ऐसे भी लोग तनाव में हैं, टेंशन में हैं और परेशान हैं। तू इन लोगों को उस पर दया कर। तू दयालु ईश्वर, तू सबों के साथ न्याय करने वाला, ये भाई बहनों के साथ भी न्याय हो जाए, उनके मामले जल्दी मिट जाए।
और उनके बोले न्याय मिले और तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए वो लोग आ जाए। इस मदरब के लिए विशेष अर्जी करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के पूरे दिन के लिए, आपके आशीष और कृपा बरसाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, सभी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए और इस समय आपकी उपस्थिति में आने की कृपा देने के लिए। हे प्रभु यीशु, जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, हम संसार भर के सभी टूटे परिवारों, टूटे रिश्तों को आपके समक्ष लाते हैं प्रभु यीशु। संसार में कितने ही ऐसे परिवार हैं प्रभु, जो एक साथ रहते हुए भी आपस में प्यार नहीं है, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, साथ रहते हुए भी घुट घुट के जीते हैं। हे प्रभु यीशु, पति पत्नियों के बीच में प्यार नहीं है, बच्चे और माता पिताओं के बीच में प्यार नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं और उनके रिश्ते टूट जाते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी परिवार में प्रभु यीशु आप अपने आशीष लेके, कृपा लेके आ जाइए। उन परिवारों को प्रभु यीशु आपकी आशीष से, कृपा से, खुशियों से भर दीजिए। उनके टूटे रिश्तों को प्रभु यीशु पुनः एक बार आपके प्रेममय बंधन में बांध दीजिए। उन्हें एक दूसरे को स्वीकार करने, सहन करने और दुख सुख में साथ देने और उनके सभी कमजोरियों के साथ स्वीकार करते हुए उन्हें प्यार करने की कृपा दे दें। तेरे प्यार, तेरी खुशियाँ उन परिवारों में मांगते हुए प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी निसंतान दंपतियों के लिए, जिनकी अभी तक कोई संतान नहीं, जो आज भी बच्चों के लिए तरस रहे हैं। संतान न होने के कारण इन्हें अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जो टूट जाते हैं प्रभु। प्रभु जी, ऐसे सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। उनके जो भी बंधन हैं, उन बंधनों को तोड़ दीजिए। उन्हें भी पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए। प्रभु, हम अपनी इस प्रार्थना को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। झूलिया झूलिया ये सुने झूलिया। Yeah।
हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन का जल मुझको मिलता दया, मेरी मुश्किल का हल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया जो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हूँगा, तभी मैं स्वस्थ हूँगा, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, वह प्रभु हूँ, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अंधों को दृष्टि देते हैं, प्रभु अंधों को दृष्टि देते हैं, और झुके हुए को, और झुके हुए को सीधा करते हैं, सीधा करते हैं। प्रभु अंधों को दृष्टि देते हैं, प्रभु अंधों को दृष्टि देते हैं, और झुके हुए को, और झुके हुए को सीधा करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, चंगे दाता यीशु की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। प्रभु आपके पास है, अनुभव करना है, सांस करना। प्रभु के काफी वादे हैं,
सभी वादों को याद करना, और इसी के साथ यदि आप रोगी हैं अर्पित करते जाइए। आप हैं या तो आपके परिवार में हैं या तो आस पड़ोस में हैं, करीबी हैं, अर्पित करते जाइए। यह आशीष का समय है, कृपा का समय है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आप भी बदले में आशीष मांगते जाना। इसी तरह हमारे पास में काफी अलग अलग बंधन हैं, और उन बंधनों के द्वारा हम विकास नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, सच्चा नहीं बन सकते हैं, बल्कि विनाश तो जरूर हो ही जाता है। और इसलिए प्रभु सुरक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला, प्रभु रखवाला हमारी रक्षा करते हैं। विश्वास और भरोसे के साथ एक एक बंधन को अर्पित करते जाइए। नशा एक बंधन है, उसके द्वारा इंसान बर्बाद होता है, और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए लोग और परिवार, संगति के द्वारा इंसान बर्बाद होता है, उसके द्वारा उनसे जुड़े लोग और उनका परिवार। इसी तरह क्रोध के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा, एक एक करके अर्पित करते जाना। प्रभु से कहना, मुझे तेरी जरूरत है, अभिषेक देना। मन में काफी चिंता है, काफी प्रश्न है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, सभी को अर्पित करते जाइए। प्रभु हमारे लिए सूली पे चढ़ते हैं, खून बहाते हैं, और उनके एक एक बूंद जो शरीर से टपकता है उसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं, आजाद किए जाते हैं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अपने पवित्र लहू के सामर्थ के द्वारा, पवित्र घावों के सामर्थ के द्वारा और क्रूस के सामर्थ के द्वारा आपको चंगाई दे रहे हैं। मन में काफी चिंता है, चिंता सकारात्मक चिंता और नकारात्मक चिंताएं। हो सके आप अपने घर में हानि को देखें, क्षति को देखें, विनाश को देखें, रोग को देखें, इसके द्वारा काफी चिंता है, क्या करें, कैसे करें। काफी कर्ज लिए होंगे, लोन लिए होंगे, उसके द्वारा काफी दबे हैं, इनकम के लिए कोई जरिया नहीं है, और इस तरह से काफी टेंशन, प्रेशर, टॉर्चर। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मार्ग निखाने वाला परमेश्वर है। पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूंगा। इसी तरह परमेश्वर अपनी वादा को पूरा करते हैं, विशेष करके इसराइली जनता जो चलती है, यात्रा करती है, उनके आगे आगे प्रभु चलते हैं, प्रकाश बनके रोशनी दिखाते हैं, बादल बनके छांव प्रदान करते हैं। इसी तरह प्रभु हमारे साथ और आपके साथ में करते हैं, और इसलिए विश्वास के साथ में अपनी चिंता को अर्पित करते जाइए। और विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, चिंता मुक्त कर रहे हैं। शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द है, सिर से लेकर पांव तक, सिर में काफी दर्द बना रहता है, कानों में काफी दर्द बना रहता है, अर्पित करते जाना। याद रखना, प्रभु अपने पवित्र हाथों के द्वारा स्पर्श करते हुए आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, वान वो आशीष आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। कमर में दर्द, पैरों में, बाहों में दर्द, अर्पित करते जाना। हो सके चलने में काफी तकलीफ है, मुसीबत है, अर्पित करना। आपके मन में डर है, और डर के द्वारा काफी सहम सहम कर जीवन जीते हैं। जैसे शिष्य डर के मारे कमरे में बंद रहते हैं, उसी तरह और उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त अर्पित करते जाना। प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरना मत, धैर्य रखना, हिम्मत रखना। प्रभु के शब्द को याद रखिए, वचन को याद रखिए, जीने के लिए कोशिश करना। इसी के साथ हमारे अंदर में जो कमियां हैं, आलसपन है,
लहजेपन है अर्पित करेंगे। प्रार्थना करने के लिए रुचि नहीं है, वचन के प्रति लगाव नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, अर्पित करते हैं। प्रभु से आशीष मांगते हैं, प्रभु स्पर्श करना, आशीष देना। आइए विश्वास करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई और छुटकारे दे रहे हैं। बड़ी खुशी आनंद के साथ आशीष को और चंगाई को ग्रहण करते हुए एक साथ कुछ लंबी देर तक ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो,